हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत में। एक नए प्लांट की केयर के साथ आई हूँ मैं। आज आपको इसकी कंप्लीट केयर बताने की कोशिश करूँगी जितना मुझे पता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आगे स्टार्ट करने के पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो फ्रेंड्स। ये जो प्लांट है, ये रियो का प्लांट है। इसके लीव्स का कलर देखें आप, ऊपर से ग्रीन है और नीचे से ये पर्पल कलर का है फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। आप जब भी इस प्लांट को खरीद कर लाएं तो इसकी या फिर रिपोर्टिंग करें तो आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आप जिस भी पॉट में आप इसको रिपोर्ट करने वाले हैं या प्लांट करने वाले हैं वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि इस प्लांट को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। ये प्लांट बहुत कम पानी मांगता है फ्रेंड्स, ये ज़्यादा पानी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो जब भी आप इसमें वाटरिंग करें तो आप ये ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहे, ना ज़्यादा ड्राई हो ना ज़्यादा गीली ही हो। तो ये तो हुई वाटरिंग की बात फ्रेंड्स। और फिर प्रोपगेशन में बताऊँ फ्रेंड्स कि दो तरीके इसका भी, वही दो मेथड है। पहला मेथड तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, कटिंग से इसे ग्रो कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको दिखाऊँ कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये देखें फ्रेंड्स कि ये मेरा बड़ा प्लांट मैंने जो लगाया था उसके बगल में इसका प्लांटलेट्स दूसरा निकल चुका है और वो भी अच्छी ग्रोथ पे है। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये अपने प्लांटलेट्स नीचे से बहुत सारे निकालता है और थोड़े दिनों के बाद आप जो प्लांट लगाएंगे देखेंगे कुछ महीनों के बाद ये पूरा जो पॉट है आपका इस प्लांटलेट्स से प्लांट से भर जाता है। तो ये प्लांट इसलिए भी फ्रेंड्स अच्छा है क्योंकि आप एक प्लांट लाओ और इससे मल्टीपल प्लांट्स आप घर में ही बैठे बैठे बना सकते हैं। तो फिर मैं इसकी मिट्टी बताऊं फ्रेंड्स कि आप जब भी इसकी पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो एक हिस्सा रेत, जिसे बालू भी कहते हैं, बजरी भी कहते हैं, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा गार्डन सॉइल जिसे मिट्टी भी कहते हैं, नॉर्मल मिट्टी जो होती है फ्रेंड्स, और एक हिस्सा उसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट मिला लें, कोई भी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके तीनों चीज़ों को और इसकी पॉटिंग मिक्स बना लें, फिर उसमें आप लगाएं। उसके बाद पानी ज़रूर डाल दें फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये एक बेसिकली इंडोर प्लांट है, इनडायरेक्ट सनलाइट इसे अच्छी लगती है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपने इंडोर इसे रखा है तो आप इसे कम से कम महीने में दो बार तो आप इसे एक घंटे की सुबह की अच्छी धूप दिखा देना तो ये अच्छी ग्रोथ करता है फ्रेंड्स। दूसरी बात मैं बताऊं कि अगर आपने इसे आउटडोर रख दिया डायरेक्ट सनलाइट में तो इसके पत्ते बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि फ्रेंड्स देखिए, ये जो मेरे नए प्लांटलेट्स के जो लीफ हैं उसके टिप्स पूरे ब्राउन हो रहे हैं और इधर भी बहुत सारे जो टिप्स थे मेरे लीव्स के वो काले पड़ रहे थे क्योंकि मैंने इसे धूप में रख दिया था। तो हालांकि धूप इसे इस पर ज़्यादा नहीं पड़ती थी, एक घंटे की धूप ही इसे मिलती थी, लेकिन फिर भी इसने अपने पत्ते जलाना शुरू कर दिया फ्रेंड्स। ये तो पहला रीज़न था कि इसने पत्ते इसके बर्न हो गए। और भी दो रीजन्स होते हैं इसके पत्ते बर्न होने के, इसके टिप्स ब्राउन होने के, तो मैं वो भी बताना चाहती हूँ आपसे कि इसके टिप्स ब्राउन होने के रीज़न जो है, वो पहला रीज़न मैंने बताया कि अगर आपने धूप में इस प्लांट को रखा हुआ है तो ये वैसे ही बर्न होता रहेगा, इसके लीव्स जलते रहेंगे। दूसरी कि अगर आपने इसमें ओवर वाटरिंग की है, ज़्यादा पानी डाल दिया है, तब भी ये अपने लीव्स के जो टिप्स होते हैं, एजेस होते हैं, जैसा आप ये देख रहे हैं, ये ब्राउन करना शुरू कर देता है। ये इंडिकेशन है कि आपने इसमें ओवर वाटरिंग की है फ्रेंड्स। और सेम चीज़ अगर आपने इसमें पानी अगर कम दिया है तो भी ये अपने टिप्स को ब्राउन करना स्टार्ट करता है, वो भी इंडिकेशन होती है
कि इसमें आपने कम पानी डाला है, तो जब भी आप इसमें वाटरिंग करें तो ये ध्यान ज़रूर रखें कि ये जो प्लांट है आपका, आप इसमें बहुत ही ध्यान से पानी डालें। इसमें कम पानी डाल दें लेकिन ज़्यादा ना डालें फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें फंगस लग जाता है, इसका रूट रॉट होना शुरू हो जाता है, इसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी और आपका पौधा सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप इसकी केयर ऐसे भी कर सकते हैं, इसे इंडोर रखें इनडायरेक्ट सनलाइट में। और फ्रेंड्स आप इसे मल्टीपल प्लांट्स बना सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, ग्रोथ अच्छी होती है उससे भी, और ये प्लांट क्लेट्स भी निकालता है बहुत सारे साइट्स में। तो आप इसे निकाल के सितंबर के मंथ में आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं दूसरे प्लांटर में, तो ये भी अच्छी ग्रोथ करेगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है ये बताऊँ मैं आपको, कि जब भी आप इसके नए प्लांट क्लेट्स को जो आप रिपोर्ट करते हैं, जब इसे निकाल के इसके गमले से दूसरे गमले में आप जब लगाते हो, तो उसमें इसे थोड़ा गहरा, ऐसे मिट्टी जो हो थोड़ी गहरी हो, थोड़ी गहराई में इसके रूट्स को डाल के फिर आप इसे रिपोर्ट करें। क्योंकि अगर फ्रेंड्स अगर आप इसे ऊपर हल्की मिट्टी में दबा दोगे तो वो बाहर निकल आता है और प्लांट्स ख़राब हो जाएगा। फिर मैं बताऊं फ्रेंड्स कि ये जो प्लांट है इसे रूट बाउंड होना बहुत ही पसंद है, रूट बाउंड होना। फ्रेंड्स रूट बाउंड का मतलब होता है कि जिस स्पॉट में आपने प्लांट को लगाया है, रिपोर्ट किया है, जब उस प्लांट में जितनी भी मिट्टी है और प्लांट की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को उसने पूरी तरह से कवर कर लिया है, तो उसकी जड़ें मिट्टी के बाहर आने लग जाती हैं। जैसा आपने कई बार देखा भी होगा कि नर्सरीज में या वेंडर्स, किसी भी वेंडर्स से जब आप लेते हो प्लांट्स, तो नीचे से उसका जो पॉली बैग होता है या फिर जो गमला होता है उसके नीचे से उसके रूट्स निकले होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो रूट बाउंड कर चुका होता है प्लांट अपना पॉट में या पॉली बैग में। तो उसका इंडिकेशन है फ्रेंड्स कि वो कहता है कि मुझे दूसरे प्लांट में रिपोर्ट करो, तभी मैं अच्छी ग्रोथ करूँगा, वरना मेरी ग्रोथ ख़राब हो जाएगी। तो ये इंडिकेशन वो देता है फ्रेंड्स। तो और फ्रेंड्स इसकी फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो इसमें आप जैसे दूसरे प्लांट्स में आप फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो वर्मी कंपोस्ट हो, NPK हो या गोबर की खाद हो, आप इसमें साल में फ्रेंड्स सिर्फ दो ही बार डालना, तो वो अच्छी ग्रोथ करेगा। और वाटरिंग इसमें कम ही करें, ज़्यादा ना सूखने दें, और लिमिटेड में ही करना, लिमिटेड वे में। तो फ्रेंड्स ये थी सारी इन्फॉर्मेशन प्लांट से रिलेटेड। तो अगर आपको मेरा ये प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पसंद आता है, मेरा प्लांट पसंद आता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।